योग प्रशिक्षकों के निर्माण में शिक्षाविदों की बड़ी भूमिका, श्रुति भारद्वाज। शिक्षाविद परिचर्चा समागम एवं सम्मान समारोह में जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने शिक्षाविदों को समाज की दूरी बताते हुए उन्हें योग प्रशासक तैयार करने में महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि आदिकाल से ही समाज में शिक्षकों की भूमिका एक रचनाकार के रूप में अतुलनीय है रही है। GST ज्वाइंट कमिश्नर कौशल भारद्वाज ने लगातार बदलती सामाजिक परिस्थितियों में योग्य प्रशासकों की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षाओं की मांग के अनुसार वर्तमान में तैयारी करना युवाओं के लिए आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व IPS लक्ष्मण गौड़ ने वर्तमान की बदलती परिस्थितियों में शिक्षकों की भूमिका को सर्वोपरि बताते हुए उनके योगदान को सराहा। कार्यक्रम में डी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम, डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्रभान पाराशर, वरिष्ठ शिक्षाविद प्राचार्य उमेश मृदल, प्राचार्य दिलीप सिंह, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी तारा सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम में शिक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले 300 से अधिक शिक्षाविदों का सम्मान समन्वय संस्थान द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम देने पर समन्वयक संस्थान की टीम का स्थानीय शिक्षकों के समूह ने सम्मान भी किया। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जिला है वो नवगठित है और हमारी ये कोशिश है कि जो हमारा युवा वर्ग है उसको एक सही दिशा मिले, और उसी लिए आज हमारे जो कहिए कि एक तरीके से पारिवारिक सदस्य हैं कौशल भारद्वाज जी ने यहाँ पे एक सेमिनार आयोजित किया है, और काफ़ी कोशिश की जा रही है कि जो हमारा युवा वर्ग है उसको अच्छी एजुकेशन, अच्छी दिशा, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा मार्गदर्शन मिले। इसी कार्यक्रम में आज उपस्थित होकर मैंने भी इसी दिशा में कुछ छोटा सा प्रयास किया। निर्माण में शिक्षा में लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और वो योग्य प्रशासक आगे चल के सशक्त भारत के निर्माण का अपना योगदान देते हैं। जो भी प्रशासक बनते हैं उसमें निश्चित रूप से सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो शिक्षकों का होता है। आज यहाँ शिक्षाविद समागम किया गया, शिक्षाविदों के साथ ये परिचर्चा की जा रही है। यहाँ के युवाओं को प्रशासन इस तरह प्रेरित करें ताकि यहाँ का प्रतिनिधित्व भी बढ़े, और जब स्टूडेंट्स यहाँ से सेलेक्ट होंगे तो निश्चित रूप से आगे चलकर और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देंगे, और उनकी वजह से बहुत सारी प्रतिभाएं यहाँ से निकलेंगी, प्रेरित होंगे, आगे बढ़ेंगी, करेंगे। क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भरतपुर है तो स्वाभाविक रूप से इस मिट्टी से मेरा लगाव है, और मैं चाहता हूँ मेरे छोटे भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन की दिशा में कदम बढ़ाएं। यदि प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं तो ना केवल वो अच्छे प्रशासक बनेंगे बल्कि यहाँ के विकास में भी अपना योगदान देंगे, अपने छोटे भाई बहनों को मोटिवेट करेंगे। उसी के उद्देश्य से सेमिनार आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज थी, अभी एडिशनल साहब हैं गुमना राम जी, और इस पूरे कार्यक्रम के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमारे संरक्षक हैं लक्ष्मण गौड़ साहब हैं, आईजी साहब, इनके नेतृत्व में संस्थान वो संस्थान है लगातार टॉपर्स की सफलता में वाहक बना हुआ है। हमारे 2018 के बैच में फर्स्ट रैंक से टॉप 10 में 7 सिलेक्शन थे और 350 से ज़्यादा सिलेक्शन थे। 2021 वाले में टॉप 10 में 9 रैंक सम्यक की थी, जिसमें फर्स्ट रैंक भी थी, सेकंड रैंक भी थी, और 650 से ज़्यादा सिलेक्शन थे। ऐसी टीम प्रतिबद्ध है सफलता अर्जित करवाने में, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में। हमारा प्रयास है स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन की ओर आगे बढ़ाएं। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।